आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर। भाइयों, आज मैं आपको गुजरात के वीर राजपूतों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। चंपानेर पावागढ़ के खिंची शाखा के चौहान अपने से कई गुना ताकतवर कर्णावती की सल्तनत की नाक के नीचे उससे संघर्ष करते हुए चंपानेर के खिंची चौहानों ने 200 साल तक स्वतंत्र राज किया। अंत में रावलपताई जय सिंह जी महमूद बेगड़ा के साथ 20 महीने चले युद्ध के बाद पकड़े गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर बेगड़ा ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर जान बख्शने और राज्य वापस करने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने इसकी जगह मौत स्वीकार करी और सुल्तान ने उन्हें तड़पा कर मार डाला। जाम नरपत जी जाडेजा ने गजनी के फिरोज शाह बादशाह का सर उसी के दरबार में काट डाला था। अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वे गजनी को जीतकर वहां के सम्राट बने। जाम अबड़ा जी अड़बंग जाडेजा, इन्होंने 140 मुस्लिम लड़कियों को बचाने के लिए दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की विशाल सेना से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। जाम साहेब जी पब्बा जी और रवाजी जाडेजा, इन्होंने सिंध के मिर्जा ईशा और मिर्जा सले को झारा के प्रथम युद्ध में बुरी तरह हराया। जाम सत्ता जी कुंवर अज्जा जी और मेरामन जी हाला जाडेजा कर्णावती के सुल्तान मुजफ्फर शाह को दिल्ली के बादशाह अकबर से बचाने के लिए गुचरमुरी में युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। जूनागढ़ के नवाब और लोमाकाठी की दगाबाजी की वजह से जीता हुआ युद्ध हारे। राव देशलजी जाडेजा, ईरानी आक्रमणकर्ता शेर बुलंद खान की सेना के आगे अपने बहुत कम योद्धाओं को लेकर देशलजी ने विधर्मियों को अपने पैरों तले कुचल डाला। ईरानी सेना पागल कुत्तों की तरह भागने को मजबूर हो गई। लाखाजी जाडेजा विंझाण सिंध के गुलाम शाह कलहोरा से झारा के दूसरे युद्ध में लड़े, अद्भुत शौर्य प्रदर्शित कर वीरोचित मृत्यु को प्राप्त हुए। रायसिंह जी झाला हलवत अकबर के दरबार के पंजहत्ता पहलवान के साथ लड़े। रायसिंह जी की एक ही मुट्ठी के प्रहार से पहलवान का सिर उसके धड़ में घुस गया, अतुलनीय पराक्रम का उदाहरण। रामजी गोहिल कर्णावती के सुल्तान को युद्ध में हराकर वापस लौट रहे थे, लेकिन उनकी रानियों ने गलत फहमी की वजह से जौहर कर लिया। ये देख रामजी गोहिल वापस सुल्तान के सेना पर टूट पड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। मोखड़ा जी गोहिल दिल्ली के सुल्तान की सेना के साथ युद्ध, सिर कट जाने पर भी धड़ लड़ता रहा, अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन। लाठी के वीर हमीर जी गोहिल 16 साल की उम्र में सोमनाथ मंदिर की रक्षा हेतु अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर मुजफ्फर शाह की सेना से भिड़ गए। उन्होंने कहा, भले कोई आवे ना आवे मारी साथे, पर हून जैस सोमनाथ नहीं सकाते, यानी कोई मेरे साथ आए ना आए, लेकिन मैं सोमनाथ की रक्षा के लिए जाऊंगा। सोमनाथ महादेव को सिर अर्पण कर युद्ध किया, विधर्मियों को काटते काटते रणशैया पर सो गए। लखदीर जी परमार मूली हेजत खान की पुत्री को बचाने के लिए सिंध के पातशाह की सेना से लड़े। लखदीर जी और उनके परिवार ने सिंध की सेना का बहादुरी से सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। रा नवघन जूनागढ़ अपनी मुंह बोली बहन जाहल को बचाने के लिए सिंध पर आक्रमण किया, बादशाह को मारकर बहन जाहल को छुड़ाकर लाए। सोलंकी वंश में जन्मे कालरी के वसराज उर्फ वचरा दादा गुजरात के सबसे बड़े लोक देवता हैं। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए विवाह के फेरों से उठकर युद्ध किया और सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा। आज गुजरात के घर घर में इनकी पूजा होती है। पाटन के सोलंकी वंश की रानी नाइक की देवी के सेनापति वीरधवल वाघेला और भीमदेव सोलंकी द्वितीय पाटन भीमदेव और सेनापति वीरधवल जी ने मोहम्मद गोरी की सेना को आबू के पर्वतों में कुचल डाला और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को भी गुजरात के बाहर खदेड़ दिया। करणदेव वाघेला पाटन अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना के साथ लड़े, हार गए लेकिन झुके नहीं, जंगलों में जाके अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। वीर सिंह वाघेला कल्लोल के वाघेला सरदार ने गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा का सामना किया। सुल्तान वीर सिंह की रानी से शादी करना चाहता था। वीर सिंह बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
वो रानी ने भी कुएं में कूदकर अपनी जान देकर स्वाभिमान की रक्षा की। ईडर में राठौड़ों ने सैकड़ों साल तक अपने बगल में स्थित कहीं ज़्यादा ताकतवर मुस्लिम सुल्तानों से लड़ते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखा और मस्जिदों को तोड़कर वापस मंदिर बनाते रहे। राव रणवल ने अपने से कई गुना ताकतवर सुल्तान मुजफ्फर शाह को बुरी तरह हराकर उसका घमंड तोड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।